हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है सागर मिश्रा, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सागर मिश्रा एक्सप्लोरर। सो गाइस, आज हम जाने वाले एक और नए टूर पे। सो आज हम जा रहे हैं शिरडी और शनि शिंगणापुर। सो गाइस, ये टूर पे मैं जा रहा हूँ मेरे छोटे भाई सौरभ मिश्रा के साथ और मेरे दोस्त सौरभ नागदे के साथ। तो एक स्पेशलिटी बताता हूँ, ये बंदा 72 टाइम्स जा चुका है शिरडी। तो इस बार अपन शिरडी दर्शन करेंगे, प्लस इनके एक्सपीरियंस का यूज़ भी करने वाले हैं, ताकि मैं आपको और अच्छी अच्छी चीज़ें दिखा पाऊँगा, शिरडी के अच्छे दर्शन करवा पाऊँगा। तो चलिए गाइस, मैं आपको ले चलता हूँ वहाँ पर। सो गाइस, हमारा ये टूर स्टार्ट होता है मेरे होम टाउन रतलाम मध्य प्रदेश से। तो हम रतलाम से पहले जाएंगे इंदौर में, हम लोग जा रहे हैं डेमो ट्रेन से, इसका टिकट है 60 रुपये पर पर्सन। फिर हम लोग जाएंगे बस से इंदौर टू शिरडी। तो चलिए गाइस, अब मैं आपको ले चलता हूँ। सो गाइस, आज हम लोग आ चुके हैं इंटरसिटी ट्रेवल्स पर, 3 इमली चौराहा पर, जहाँ से हमारी बस मिलेगी। तो अब 7 बजे हमारी बस है, तो हम लोग बस में बैठेंगे और फिर शिरडी चलते हैं अपन लोग। तो गाइस चलिए। सो गाइस, अभी बज रहे हैं 3:30 सुबह के और हम लोग अब बस से उतर चुके हैं। हम लोग अब फटाफट जा रहे हैं होटल चेक इन करने वाले, फटाफट नहाएंगे और फिर 4:15 बजे काकड़ आरती स्टार्ट होती है, तो हम लोग वो अटेंड करने वाले हैं। तो चलिए गाइस चलते हैं, मैं आपको काकड़ आरती दिखाता हूँ। सो गाइस, अभी जो आपने लाइन देखी है वो थी काकड़ आरती की लाइन। तो अभी हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिली कि आरती अब लेट होती है, 5:15 बजे होगी। तो हम चेक इन करके नहा के सीधा डायरेक्टली आरती अटेंड करने आने वाले। तो गाइस एक बात बताता हूँ आपको, काकड़ आरती अटेंड करने के लिए कुछ लोग रात में 12 बजे 1 बजे से ही लाइन में लग जाते, ताकि बाबा के क्लोज में जस्ट पास में खड़े होकर वो आरती कर सके। मैंने भी 3-4 साल पहले करी थी, तो हम लोग 12:30 बजे लग गए थे। उस टाइम बायोमेट्रिक सिस्टम था, तो पहले वहाँ पर लाइन में जाना पड़ता था, फिर यहाँ पर आना पड़ता था। पर अभी सिस्टम थोड़ा अच्छा हो गया है, तो एक ही लाइन में आपका काम हो जाता है। तो गाइस चलिए, अब हमारी होटल पर आ चुके हैं, मैं आपको दिखाता हूँ होटल बाहर से, इसकी इन्फॉर्मेशन बाद में दूंगा, फिर अपन नहाकर और चलते काकड़ आरती के लिए। सो गाइस, ईश्वर सेंस पैलेस, यहाँ पर हम लोग स्टे करने वाले हैं। ये साईं मंदिर के बहुत पास है और ये ऑलरेडी बुक कर लिया था, जैसा मैंने आपको बताया लक्की भी हमारे साथ आए थे, तो इन्हें पहले ही बुक कर लिया था। तो फिर चलिए, ये देखिए सारी फॉर्मेलिटीज़ कर रहे हैं लक्की भैया, और फिर हम लोग चेक इन करके और रेडी होकर निकलते हैं। सो गाइस, अब हम लोग रेडी हो चुके हैं और हम लोग काकड़ आरती करने जाने वाले। तो गाइस जैसा कि मैंने आपको बताया, जो बायोमेट्रिक सिस्टम नहीं है, तो शायद हम डायरेक्टली मंदिर के अंदर जा पाएंगे। तो हम अब मंदिर के अंदर जाके काकड़ आरती करने वाले हैं, तो इससे क्या होगा कि हम लोग फ़ोन अंदर ले जा पाएंगे। तो अनफॉर्चुनेटली मैं आपको तो आरती नहीं करवा पाऊँगा, पर मैं आरती के बाद आपको शिरडी भ्रमण करवाऊँगा, आपको दूसरे मंदिर दिखाऊंगा और बाहर से ही मंदिर कैसा है वो सब दिखाने वाला हूँ। तो चलिए गाइस, अब हम लोग जाते हैं, फ़ोन यहीं रख के जाऊँगा मैं रूम पर, तो हम लोग जाके आरती करके आते हैं। चलिए गाइस। सो गाइस, हम लोगों ने काकड़ आरती करी, बहुत अच्छा लगा वहाँ पर आरती अटेंड करके। उसके बाद हम लोगों ने बाबा के दर्शन कर लिए थे मंदिर के अंदर करके, और अब हम लोग आए हैं साईं कृष्णा रेस्टोरेंट पे। हम लोग यहाँ पर ब्रेकफास्ट करने वाले हैं और उसके बाद गाइस अपन चलते हैं शनि शिंगणापुर। तो चलिए गाइस, ब्रेकफास्ट करके मैं आपको बताता हूँ शनि शिंगणापुर कैसे जाने वाले हैं। तो चलिए गाइस। अब हम लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया है, ब्रेकफास्ट में हम लोगों ने मेदू वड़ा खाया, मसाला डोसा खाया, उत्तपम खाया, बहुत टेस्टी था ब्रेकफास्ट। तो अगर आप शिरडी आ रहे हैं तो साईं कृष्णा पे ब्रेकफास्ट लंच या डिनर करना बिल्कुल ना भूलें। तो गाइस जैसा मैंने बताया था, अब हम लोग जा रहे हैं शनि शिंगणापुर। तो आपको यहाँ पर रोड से ही शनि शिंगणापुर के लिए मैजिक मिल जाएगी, ट्रेवलर मिल जाएंगे, तूफान, बहुत सारी गाड़ियाँ यहाँ पे चलती रहती। तो आपको शनि शिंगणापुर जाना हो, नासिक जाना हो, त्र्यंबकेश्वर जाना, तो यहाँ से मिल जाएगा। तो अभी हम शनि शिंगणापुर जा रहे हैं, जिसका चार्जेज है 200 रुपये पर पर्सन जाने का आने का दोनों का। तो आप देख सकते हैं बैठा हुआ मैजिक में। तो गाइस चलिए, मैं आपको शनि शिंगणापुर ले चलूँगा।
सो गाइस फाइनली 2 घंटे ट्रेवल करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं शनि शिंगणापुर में। तो आप शनि शिंगणापुर आएंगे तो आपको बहुत सारी शॉप दिखेगी। तो ऐसा बोलते हैं कि शनिदेव को तेल चढ़ाना चाहिए सरसों का, तो अब मैं तेल लूँगा और शनिदेव को चढ़ाऊँगा और उनके दर्शन करूँगा। तो चलो गाइस देखिए शनिदेव को सरसों का तेल और तिल चढ़ती है, तिल और जौ, तो हमने वो ले लिया है। अब हम भी ये शनिदेव को चढ़ाते और दर्शन करते हैं। चलिए मैं आपके भी दर्शन करवाता हूँ। सो गाइस देखिए यहाँ से अपन एंट्री ले रहे हैं शनिदेव के दर्शन करने के लिए। आप देखिए ऐसे जा सकते हैं, तो आप जैसे एंट्री लेंगे तो आपको यहाँ पर चप्पल स्टैंड दिखेगा, तो यहाँ पर अपन शूज उतारते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। सो गाइस अब हम लोगों ने दर्शन कर लिए, तो आप कमेंट में बताइए कि आपको दर्शन करके कैसा लगा। सो गाइस मैं आपको शनि शिंगणापुर के बारे में बताता हूँ। तो यहाँ पर एक पास में नदी टाइप है, वहाँ पर एक मूर्ति निकली थी शनिदेव की, तो किसी को सपने में आई थी, काली कलर की थी, कि मैं शनिदेव हूँ और मुझे निकालो। तो उन्होंने बहुत कोशिश करी, वो निकली नहीं। फिर शनिदेव ने वापस दर्शन दिए किसी को और बताया कि मामा भांजे की जोड़ी जो कि बैल होंगे वही निकाल सकते हैं, तो उससे वो आसानी से निकल गई थी। और गाइस यहाँ की एक और स्पेशलिटी कि यहाँ पर आसपास किसी के यहाँ भी ताले नहीं लगते हैं, यहाँ पर कोई चोरी नहीं करता है। अगर कोई चोरी करता है तो अंधा हो जाता है, पागल हो जाता है। तो ये शनिदेव की महिमा यहाँ पे, ये महत्व है यहाँ का। तो गाइस आज एक और स्पेशल चीज़ थी, आज था हनुमान जयंती, और आपकी भी किस्मत बहुत अच्छी हो, मेरी भी किस्मत बहुत अच्छी है कि मेरे को आज शनिदेव की आरती अटेंड करने को मिली। मैं पहले आया, मुझे आरती अटेंड करने को नहीं मिली, पर आज स्पेशल ओकेशन पर हनुमान जयंती पर शनिदेव की आरती अटेंड करने को मिली, बहुत अच्छा लगा। और आपकी किस्मत बहुत अच्छी है कि आप सागर मिश्रा एक्सप्लोरर के सब्सक्राइबर हैं, तो आपको भी वो आरती करने को मौका मिला, तो आप आरती के मज़े लिए होंगे, आपने बिल्कुल पता है मुझे। तो आप कमेंट में बिल्कुल बताइए कि आपको कैसा लगा। तो चलिए गाइस अब अपन चलते हैं शिरडी की तरफ, मैं आपको ले चलता हूँ वहाँ पे। चलिए शनिदेव से शिरडी जाते टाइम हम लोग रुके हैं गन्ने का जूस पीने। तो गाइस देखिए यहाँ पर गन्ने का जूस निकालने के लिए बेल का इस्तेमाल किया जाता है, तो हम लोग गन्ने का जूस पीते हैं। और आप ये देखिए, मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ इसका। सो गाइस दिन में हम शनिदेव के दर्शन करके आए और डायरेक्टली होटल चले गए थोड़ा रेस्ट करने की, गर्मी बहुत थी। और अब बज रहे हैं 5:30 और हम लोग वापस निकले
शिरडी दर्शन करने। सबसे पहले हमने काम करा है बाबा के दर्शन वापस करने, तो सबसे बढ़िया वे है आप मुख दर्शन कर सकते हैं, भीड़ कम रहती है। तो सबसे पहले हम होटल से आए, यहाँ पे मुख दर्शन करा, यहाँ पर आपको दिख रहा है ये एरो, तो यहाँ से आप जा सकते हैं। यहाँ पर फ़ोन ले जाना अलाउ नहीं है, तो पहले मैं और सौरभ गए और फिर नेक्स्ट टाइम पे लक्की भैया गए, तो हमने दर्शन कर लिए मुख दर्शन। चलिए गाइस नेक्स्ट प्लेस पे ले चलता हूँ। चलिए सो गाइस ये देखिए यहाँ पर चेकिंग हो रही है और यहीं से मुख दर्शन के लिए जाते हैं, तो यहाँ से जस्ट सामने आपको साईं बाबा दिख जाते हैं, तो आपको सिंपल वे में जल्दी से आपके बाबा के दर्शन हो जाते हैं। तो गाइस चलिए देखते हैं अपन अब दूसरी जगहों को। हम यहाँ पर लक्की भैया का एक्सपीरियंस यूज़ कर रहे हैं अच्छे से, वो हमको हर जगह का महत्व भी बता रहे हैं, तो आप देखिए वो अपने को कहाँ पर ले जाते हैं नेक्स्ट प्लेस पर। ये देखिए मंदिर के आसपास का एरिया, यहाँ पर मंदिर के आसपास ही मार्केट भी है, आपको प्रसाद लेना है या कुछ शॉपिंग करना है तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं, मार्केट भी काफ़ी अच्छा है। सो गाइस नेक्स्ट प्लेस पर हम आए जहाँ पर साईं बाबा जीवित रूप में थे तब रहते थे, वो है द्वारका माई। तो गाइस ये पीछे जो आपको दिख रहा है यही है द्वारका माई, तो यहीं पर साईं बाबा रहा करते थे और यहाँ पर बाबा की धुनी भी है जो कि उनने 100 साल पहले प्रज्वलित करी थी, वो अभी भी ऐसी कैसी है और उसी को बीमारी जिसको रहती है उनको देते हैं और वो ठीक होते हैं इससे। और इसी के साथ यहाँ पर पत्थर भी है जिस पर बैठ के बाबा साधना किया करते थे, और उसी के साथ एक चूल्हा भी है जिस पर बाबा खाना बना देते थे। आपको तो पता ही होगा बाबा के बारे में, वो हर गुरुवार भंडारा रखते थे, उन्हें बहुत पसंद था लोगों को खाना खिलाना, तो वो चूल्हा भी यहाँ पर प्रेजेंट है। सो गाइस एक चीज़ है कि फ़ोन अंदर नहीं ले जाया जा सकता, पर मैं आपको बाहर से द्वारका माई के दर्शन कराता हूँ, और ये लोकेशन सब पास पास में, आप अगर शिरडी आ रहे हैं समाधि मंदिर पे जा रहे हैं दर्शन करने तो उसके पास में ही आपको मुख दर्शन मिल जाएगा और उसके जस्ट पास में आपको द्वारका माई भी मिल जाएगा। तो चलिए गाइस मैं आपको बाहर से द्वारका माई दिखाता हूँ, फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट प्लेस पर। सो गाइस द्वारका माई के दर्शन करने के बाद अब हम लोग आए चावड़ी पे। तो गाइस चावड़ी यहाँ पर शिरडी गांव की कोर्ट थी, यहाँ पर सारे न्याय वगैरह होते थे, पर एक टाइम ऐसा हुआ था कि द्वारका माई की सिचुएशन अच्छी नहीं थी, जब ज़्यादा रेनफॉल हुई तो वहाँ से पानी टपकने लगा, तो उनके साईं बाबा के भक्तों ने ऐसा बोला कि बाबा आप द्वारका माई से, द्वारका माई गाइस मैं बता देता आपको, ये जो पीछे दिख रहा है आपको ये द्वारका माई है, द्वारका माई से शिफ्ट होकर आप यहाँ पे चावड़ी पे आ जाइए। तो फिर कुछ समय के लिए बाबा चावड़ी में भी रहे थे, ठीक है, और फिर जब वो ठीक हो गया तो फिर वो अल्टरनेटिव रहा करते थे, और जब बाबा ने समाधि दी उसके बाद यहाँ पर ट्रस्टीज़ ने यहाँ पर बुक्स वगैरह रखी है और बाबा की फ़ोटो भी है। तो गाइस देखते हैं अपन फ़ोन ले जाने का ट्राई करते हैं, अगर लेने जा देंगे तो मैं आपका दर्शन कराता हूँ। तो चलिए गाइस अपन चलते हैं चावड़ी में। तो गाइस देखिए ये है चावड़ी और यहाँ पर भक्त जाते हैं ऐसे। जो है बाहर निकलो, अंदर मत निकालो भैया, अंदर ही निकालना। सो गाइस फ़ोन ले जाना अलाउ तो नहीं था, पर मैं चुपके से ले आया आपके लिए, आप ये दर्शन कर लीजिए फटाक से। ये देखिए यहाँ पर जो भी मनोकामना मांगते हैं इस पार्ट को छूकर उसकी सबकी पूरी होती है। तो चलिए गाइस अपन बाहर चलते हैं, चलो चलो ओम मेरा ओम। सो गाइस शिरडी में मैं रुका हूँ एशोशंस पैलेस में, जिसे मैनेज करते हैं सनी भैया, तो अब आपको सनी भैया इसकी लोकेशन बताएंगे। अपना होटल नियरेस्ट टू टेम्पल है, विद इन 2 मिनट्स का वॉकिंग डिस्टेंस है, और मेन अपने यहाँ से मीन्स व्यूज़ अच्छा ये है कि अपने को डेली आरती सुनाई पड़ता है,
और एड्रेस बोलेंगे तो आपको पिंपलवाड़ी रोड नियर टू भारत कोऑपरेटिव बैंक। सो गाइस डिटेल्स आपको रहेगा। अभी सनी भैया ने आपको एड्रेस बता दिया है और बाकी का मैं सनी भैया का कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में डालने वाला हूँ। तो अगर आप शिरडी आ रहे हैं तो एश्योरेंस पैलेस में ही रुके, क्योंकि साईं मंदिर के पास में हम दो तीन बार हो चुके हैं, मंदिर आ चुके हैं, दो बार दर्शन कर लिए, एक बार मुख दर्शन कर लिया हमने। तो गाइस चलिए अपन चलते हैं नेक्स्ट पे। सो गाइस अब हम लोग आए हैं शिरडी दर्शन के फाइनल डेस्टिनेशन पर, साईं प्रसादालय। सो गाइस हम लोगों को टेंपल के बाहर से ही ऑटो मिल गया था जो कि 10-10 रुपए में यहाँ पर छोड़ के गया है। ज़्यादा दूर नहीं, आप आ सकते हैं पैदल भी, हमारी तो बस थी इसलिए हमको आना पड़ा। तो गाइस चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर लाखों लोगों का खाना डेली बनता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट सबको खिलाते हैं, क्योंकि साईं बाबा का प्रसाद है तो हम लोग भी ग्रहण करने जाने वाले हैं। तो चलिए गाइस मैं आपको ले चलता हूँ। तो गाइस यहाँ से देखिए ऐसे अंदर जाते हैं, यहाँ पर भी लाइन लगती है, यहाँ पर जो भी श्रद्धालु आते हैं वो यहाँ प्रसाद ग्रहण करने तो जरूर आते हैं। तो अगर आप शिरडी आ रहे हैं तो यहाँ पर जरूर आइए, प्रसाद ग्रहण करिए। आप जैसे अंदर आएंगे तो यहाँ पर देखिए आपको फ्री प्रसाद मिल कूपन काउंटर, तो यहाँ पर आपको लाइन में लगना है, आपको कूपन मिल जाएगा और उसके बाद सीधा उधर साइड जाना है प्रसाद ग्रहण करने। तो चलिए चलते हैं। ये देखिए गाइस यहाँ पर भी लाइन लगती है ऐसे ही, और यहाँ पे लाखों लोग खाना खाते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ अंदर कितने लोग एक साथ खाना खा रहे हैं। सो गाइस देखिए सिटिंग कैपेसिटी देखिए यहाँ पे प्रसादालय का, यहाँ पे आराम से 20,000 लोग एक बार में खाना खाते हैं और दिन भर में तो लाखों लोग खाना खा के जाते हैं। तो गाइस अगर आप भी आ रहे हैं शिरडी तो यहाँ पर प्रसाद ग्रहण करना बिल्कुल ना भूलें। सो गाइस हम लोग अभी जस्ट प्रसाद ग्रहण करके आ रहे हैं, मैंने आपको भी दिखाया प्रसाद कैसा था, प्रसाद बहुत टेस्टी था। तो अगर आप शिरडी आ रहे हैं तो प्रसाद जरूर ग्रहण करिए। पीछे आपको साईं बाबा की बड़ी खूबसूरत मूर्ति दिख रही होगी, वो खाना बनाते हैं, उन्हें बहुत पसंद था लोगों को खाना खिलाना, इसलिए यहाँ पर ट्रस्टी लोगों ने यहाँ पर प्रसादालय खोल रखा है जिसमें सबको प्रसाद खिलाते हैं वो। सो गाइस इसी के साथ हमारा शिरडी टूर ख़त्म होता है, अब हम यहाँ से डायरेक्टली होटल जाएंगे, वहाँ से चेकआउट करेंगे और हमारी इंटरसिटी बस है 11 बजे जो कि हमें इंदौर उतारेगी, फिर हम वापस सेम डेमो से रतलाम पहुँच जाएंगे। सो गाइस आप बताइए कमेंट में आपको शिरडी टूर कैसा लगा, कुछ मिस्टेक्स लगे तो वो भी कमेंट में बताइए, मैं उसे नेक्स्ट व्लॉग में बिल्कुल सही करने वाला हूँ। आपको पसंद आ रहे हैं मेरे व्लॉग्स तो लाइक करिए, शेयर करिए, फ्रेंड के साथ भी शेयर करिए, उनके साथ घूमने आइए और सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूले। तो चलिए गाइस अब अपन मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। Bye-bye.